कोई कहाँ से टैग कर रहा है, कोई कहीं से टैग कर रहा है। क्या करना बोलो, सब्सक्राइब। कब नहीं होता सब्सक्राइब होता, बट पेन हो रही है थोड़ी सी। बटन कम खाया करो ना। अच्छी गंदे फेंक दो, इधर इधर फेंक दो, ला पकड़ो, मुझे नहीं चाहिए। जाओ तो उसमें भी चले दिया। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये एक्चुअली वही कल वाला व्लॉग है जिसका मैंने आधा पोर्शन अपलोड कर दिया था और आधा पोर्शन ये था। तो यहाँ पे सब बच्चे खेल रहे थे, आराम से खेल रहे थे, और शिवन्या सबके बीच में एज अ सेलिब्रिटी ही बिहेव कर रही थी क्योंकि मैक्सिमम लोग उसको जानते थे, तो सब उससे मतलब अच्छे से, बहुत अच्छे से बात बात कर रहे थे। सब बच्चे खेल रहे थे उसके साथ और वो लगी हुई थी दौड़ने इधर उधर। यहाँ पे है बहुत ज़्यादा वाली गर्मी और खाना वाना हो गया, और शिवन्या इतना इरीटेट हो रही है गर्मी में, बट अब उसको ना बच्चे मिल गए तो अब वो इंजॉय कर रही है, बच्चों के साथ खेल कूद रही है और पसीने से बुरा हाल। मतलब जितना सुबह वॉक के टाइम पे गर्मी से बुरा हाल होता ना, अभी एग्जैक्टली मैंने पीछे पूरा जूड़ा कर दिया ताकि गले ना बिल्कुल बाल जो है वो गले पे ना टच हों, और बुरी हालत हो गई है। इस टाइम हो गया हमारा फंक्शन, मूर्ति स्थापना हो गई है बहुत अच्छे से, और पूरी फैमिली मिली है, मतलब चाची चाचू जो भी होते हैं, मतलब सभी पूरी फैमिली मिली है, बहुत अच्छा लगा। और वो पीछे से मेरे पति देव आ रहे हैं जो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। दादू का स्कूल है ये मेरे ससुर जी का स्कूल है। कौन रोया? कोई कहाँ से टैग कर रहा है, कोई कहीं से टैग कर रहा है। तो बस गाइस ये हो गया है, और अभी आई विश हम लोग जल्दी चल पड़े पर कोई जाने को तैयार ही नहीं है, बुरी हालत हो रही है। मतलब इस टाइम इतनी ज़्यादा देखना, इतना झूठा बंदा है ये, इनको मैंने कितने इशारे किए, मैं चल लो चल लो चल, हाय देखना, ओह क्या ये गीली, एकदम गीली पैसे, वो देखना नहीं चढ़ाया पैसों की हालत, देखना गीले हो गया नोट, फेंक दो इधर इधर फेंक दो, ला पकड़ो, मुझे नहीं चाहिए, सच में गीले हो गया, संभाल के रखना फटना। तो रहा हूं, चलो गैस गाड़ी में बैठ के निकलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ हम लोग गए थे हमारे रिलेटिव्स के घर में, इन्होंने ना पैरट्स रखे हुए हैं घर पे, और शिवन्या इतनी खुश हो रही थी पैरट्स को देखकर, मतलब वो ना बात भी कर रहे थे और बहुत ही क्यूट पैरट, तो दोनों तोते ये जो थे ये खेल रहे थे। तो और मुझे याद है मैं इस घर में ना शादी के बाद भी जब हम लोग अपने देवताओं के गए थे ना तब भी मैं यहाँ पर आई थी, और इस बार जब मैं गई ना आंटी मुझे पूछती तो उन्होंने मुझे पहचाना, मैंने कहा हाँ मैंने पहचान लिया आपको, बहुत बहुत अच्छे, गाँव के लोग ना बहुत साफ दिल के होते हैं। और यहाँ पर इनका तोता ये योगा कर रहा था अजीबोगरीब तरह से ना, तो ये जैसे हम लोग आए थे ना वैसे वापस जा रहे हैं। मैंने पूरी कोशिश की व्लॉग बनाने की बट शोर इतना था, रश इतना था, तो मैं प्रॉपरली व्लॉग नहीं कैरी कर, तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे साइकिल चला रहे होते ना, मैं फोन उठा के ना हाथ ऐसे बिल्कुल एंगल मेरा ना बिल्कुल उनके मुंह के आगे होता है, तो उनको देखने में थोड़ा सा ना वो उनका विजन क्लियर नहीं होता है, जय माता की। बट यार सच में इतनी खूबसूरत मूर्तियाँ लग रही हैं ना, इतनी खूबसूरत, मतलब बहुत ही सुंदर, मन खुश हो गया देखकर। और जब उन लोगों उन मतलब मूर्तियों का श्रृंगार किया ना, हा 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 ऐसे खिल के आई हैं ना मूर्तियाँ सारी, राम दरबार, राधा कृष्ण, शिव परिवार, दुर्गा माता, मतलब बहुत ही खूबसूरत ऐसे लग रहा था, दिल खुश हो गया देखकर। और शिवन्या ने बहुत तंग किया एज यूजुअल बिकॉज गर्मी थी, ज़्यादा तक नहीं किया वैसे, मजाक कर रही हूँ, बट किया फिर भी, बच्चा है तो उसने तो करना ही है। और बहुत ज़्यादा गर्मी थी जिसकी वजह से वो इरिटेट हो गई थी, तो बस अभी हम लोग निकले हैं, माँ पापा भी इधर ही हैं बिकॉज उनको सारा सॉर्ट भी करवाना है, तो और बस हम लोग चल रहे हैं और रास्ते में आपसे मिलते हैं। तो हम लोग बस अभी जा रहे हैं और इन लोग अंकल को इन अंकल को लिफ्ट चाहिए थी, तो हम लोगों ने इनको यहाँ पे ड्रॉप किया। ही इज सो स्वीट, बहुत ही डिसेंट, बहुत ही नाइस है। तो मैं इनको बोलती, मैंने कहा चलो जम्मू आप हमारे साथ, मैं कहते पिया का बाय।
बाय, बोलो बाय दादू। यस, तो चलो हमारी वापसी, हम जा रहे हैं वापस घर। मौसम देख लो कितना सुंदर है, और जगह देखो कितनी, व्यू देखो कितनी खूबसूरत, कितना खूबसूरत है ये वाला व्यू। जगह ही सुंदर है ये। जाके कुछ बनाना है, डिनर में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं हम लोग कि क्या खाना है। इस बंदे से इतना पूछ रही हूँ मैं, बता दो क्या खाना है, बता दो क्या खाना है। बता तो दिया। क्या? चपाती। चपाती और भिंडी। दाल पड़ी है, भिंडी पड़ी हुई है घर पे। ठीक है, तो हम जाके पहले चपाती बना देंगे, देखते हो अगर और कोई सब्जी, कद्दू भी पड़ा हुआ है घर में और बैंगन भी पड़े हुए हैं, अगर कुछ बनाना होगा ऑन स्पॉट तो बना लेंगे। वैसे साहिल बहुत अच्छे कुक है, बैंगन तो मुझसे बेहतर बनाता ही क्योंकि नहीं नहीं बैंगन ये नहीं खाते हैं और मैं भी नहीं खाऊंगी। मेरे गले में भी ना थोड़ी सी पेन हो रही है, ऐसा लग रहा है पक गया है जैसे मेरा गला, पता नहीं कैसे क्या गरम खा लिया समझ में नहीं आ रहा है, बट पेन हो रही है थोड़ी सी। मटन कम खाया करो ना। अच्छी गंदे उसका नाम भी ना लूं मैं, मुझे ऑलरेडी बहुत नफरत है उस चीज से। मतलब अगर कोई इंसान खाता है ना तो मुझे उस इंसान से भी नफरत हो जाती है, और ये मुझे बोल रहे थे तुम कम खाया करो। देखो देखो कैसी बात कर रहे हैं, मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं नहीं खाती हूँ तो बस। और रही मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो मुझे डीएम कर रहे हैं, विदु है उसमें और नेहा है, निशा है, जो बार बार मुझे बोलते हैं यार तुम कैसे कर लेती हो, व्लॉग भी बनाती हो, मतलब शॉर्ट्स भी डालती हो, घर भी देखती हो, शिवन्या को भी देखती हो। भाई मेहनत लगती है, और बहुत मेहनत लगती है यार, वॉट लग जाती है सीरियसली, और ऊपर से डेली व्लॉग शूट भी करना, एडिट भी करना, फिर अपलोड भी करना, बहुत मुश्किल काम होता है ये, सच में बहुत मुश्किल काम होता है। मैं सोच रही हूँ एक कोई एक रख लूँ जो मेरी हेल्प करे, और अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो बताना ऑन सैलरी बेसिस। तो बस जो तो कैमरा हैंडल कर सके अच्छे से। तो बस साहिल को मैंने दिया था प्रपोजल, इन्होंने मना कर दिया। कहते सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैंने कहा ओके, किस चीज के लिए? मैंने अभी क्या बोला आपने सुना नहीं? मैं थोड़ा सा रोड पे होता ना। अच्छा, मैंने कहा मैं किसी को मतलब देख रही हूँ जो मेरी हेल्प कर सके, जो कैमरा हैंडल कर सके, और मतलब एज अ टीम वर्क हम लोग काम करें, पर अभी एक बंदा चाहिए, बंदा या बंदी जो भी अवेलेबल हो ऑन सैलरी बेसिस, और बस साथ में मिलके काम करेंगे तो बस हम उस फिराक में हैं। क्यों सैलरी बेसिस पे क्यों? अरे अब अगला बंदा आएगा तो अगर आप किसी को काम पे ऐसे रख रहे हो, उसको सैलरी बेसिस पर रखोगे तो एक सैलरीड आदमी कभी अपना 100% नहीं देता। अच्छा। उसमें ना वो लर्न करेगा ना आपका कोई फायदा होने वाला है। जो भी है उसके साथ अपना वो शेयर करो, रेवेन्यू और रेवेन्यू शेयरिंग पे करो कि यार व्हाटएवर आई मेक इन अ मंथ आई विल शेयर इट विद यू फिक्स सम परसेंटेज, तो द मोर द रेवेन्यू द मोर द परसेंटेज, तो अगला बंदा भी अपना 100% देता है कि यार मेहनत करेंगे जो तुम, इफ यू आर मेकिंग 20,000 रुपीज तो 20,000 रुपए में से मतलब 7-8,000 रुपए उसको दे दो या फिर 10 ही रख ले भाई, तो मतलब That kind of shit की बात पता है। मेरे को ना बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है माइंड में, बिकॉज पहले कंसेप्ट सोचना, फिर शूट करना, और शूट के लिए मुझे कैमरा भी हैंडल करना, फिर बाकी काम भी खुद करना, वो ना बहुत ऐसे बहुत ज्यादा चीजें ऐसी हो जाती हैं कि मतलब उससे ना मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से मुझे हेडेक शुरू हो जाती है फिर। तो आई नीड समवन जो मतलब मेरा ये दुख थोड़ा सा बांट सके। That's it. बस अगर कोई होगा इंटरेस्टेड तो प्लीज डीएम कर देना मुझे। इसको हेलो बोलना। किसको? ज्योति को। बोलो। अभी। बोलो। बोलो हेलो। हेलो। मतलब बोलो ना भाइयों। बाकियों को बोल लेते तो इनको बोलने में क्या है? नहीं नहीं यार।
अगर बैठने वाला सीन होगा तो प्लीज वो मत करना, ऐसे हेलो चलो करके आ जाओ। एक तो इस बंदे के फ्रेंड्स, ओहो हो देखो, नहीं करना। उसको पूछ तो ना किधर है, है भी यहाँ पे कि नहीं, मतलब क्या बोलूं मैं अब। आई होप इनके सारे फ्रेंड्स मेरा ब्लॉग देखे। भीत क्या हाल चाल है? ठीक है भीत, ज्योति है अंदर है? बाहर गए थे, बाहर कुछ है चले अच्छा गल करे फिर ऊपर आए। बस गाइस अभी बज रहे हैं 8:30 और हम लोग आ गए हैं। मतलब इतनी थकावट हो रखी है ना, बुरी हालत हो रखी है और पीछे पूरा सामान बिखरा पड़ा है यहाँ पे ना सीट पे, तो बस बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है यार, बहुत ज़्यादा। साहिल यहाँ पे गए हैं डॉग्स का खाना लेने के लिए, मुझे तो अभी से नींद आ रही है, नींद आ रही, लेकिन अभी घर जाके मुझे चेंज करना है, खाना देखना है, क्योंकि आज कुक आंटी को मैंने मना कर दिया था, वो 6 बजे आते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा अपना काम भी देखना है जो मैंने मुझे कल अपलोड करना है। लेकिन इतनी थकावट हो रही है, इतनी थकावट हो रही है, ये तो पूरे रास्ते सो के आई है ना मेरी गोद में, पूरे रास्ते सो के आई है। इसने नीनू किया, नीनू किया आपने क्या? मैंने पूरे रास्ते ये सो के आई है मेरी गोद में, और इस टाइम मेरी टांगे इतनी सुन्न हो गई है ना, आए मतलब बहुत ज्यादा ऐसे ना, ऐसे टांगों में दर्द हो रही है मेरे, मन कर रहा है मैं उतर के ना थोड़ी देर अपनी टांगों को स्ट्रेचिंग करूं टांगों की। तो बस गाइस अभी घर जाती हूँ, घर जाके फिर मिलती हूँ आपसे। जस्ट अभी पहुंचे हैं हम लोग घर पे, अभी 10 मिनट हुए हैं, तो मैं बस कैसे गीला हुआ बेटा, कैसे गीला हुआ? आटा लेना आपने, क्या करोगी आटे का? इसको ना आटा चाहिए होता है, जब भी मैं कुछ बना रही होती हूँ ना इसको वो चीज चाहिए होती है। ये ले, खाना नहीं है, पेन हो जाएगी इधर घर के दिन होगा, ये लो। तो बस अभी मैं बना रही हूँ चपाती थोड़ी सी, तो चपाती बना रही हूँ, डिनर करना था, डिनर की तैयारी कर रही हूँ ये करके, तो फिर मुझे अपना थोड़ा सा काम करना है ब्लॉग श्लॉग का। मामा? लेकिन आज इतना मजा आया उधर, इतना मजा आया ना कसम से उधर। हाँ जी बेटू, बहुत ही मजा आया, हमको थोड़ी जल्दी आना पड़ा। हाँ लड्डू अभी हम लोग आए हैं घर पे, अब मम्मा के पास जाना है। अभी हम लोग बस खाना वाना खाया और बुरी हालत हो गई है, मेरा तो फेस वॉश करने की भी हिम्मत नहीं है, पर घर पे ही सोऊंगी। तो बस गाइज ये था आज का ब्लॉग, पसंद आया होगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल नेहा लोत्रा। कल मिलूंगी आपसे नए ब्लॉग के साथ, टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे कनेक्टेड, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्या करना बोलो, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब नहीं होता, सब्सक्राइब होता है, सब्सक्राइब कर देना। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, गुड नाइट, बाय। और इसको अभी खेल लेंगे ना, पूरे रास्ते सोई हुई आई है, अब हमको आ रही है नींद, और इसने करना जगराता, और उठना किसने? मम्मा ने। चलो गुड नाइट।